हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लेन। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट का एक छोटा सा हमारा पार्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो रह गया था, तो हम वो वाला छोटा सा पार्ट जो है वो भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। बहुत ही ईजी है, लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी वी एस्टेब्लिश्ड अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो हमारा रिलेशन क्या था, E इज इक्वल टू माइनस डेल V, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जब भी स्केलर के साथ आएगा तो इस सिंबल को, इस डेल को हम क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट बोलेंगे। ठीक है, तो E इज इक्वल टू माइनस डेल V। ये मैं आपको ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूं कि क्या होगा। मान दिस इक्वेशन इज वन। नाउ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है। ठीक है, जिसमें क्या आ रहा था, हमारा इंटीग्रेशन का साइन आ रहा था, E डॉट ds इज इक्वल टू टोटल चार्ज enclosed upon epsilon naught। अब ये कहां से आ गया, उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है। पहले इंटीग्रेशन फॉर्म में था और बाद में मैंने उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है। इसका जो भी आपको छोटा सा डेरिवेशन है वो आपको उसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो डायरेक्टली आप ये याद कर सकते हैं कि डिफरेंशियल फॉर्म होगी डेल डॉट इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज रो, रो मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो। मतलब यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना चार्ज होगा वो क्या होता है, रो, और इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज कॉन्स्टेंट। नाउ ये वाली जो ई की वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट करिए, पुट इक्वेशन वन इन टू वी गेट डेल, यहां पर मैंने E की वैल्यू यहां से पुट कर दिया, माइनस डेल V इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। माइनस बाहर आ गया, इन दोनों को एक साथ लिखा, V बाहर है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ ये मेरी कौन सी क्वांटिटी है, लाप्लेशियन ऑपरेटर जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, डेल स्क्वायर नाउ मल्टीप्लाई, और ये आपका लाप्लेशियन ऑपरेटर है, V इज इक्वल टू डेल स्क्वायर, V इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ ये माइनस आप इधर लेके जाएंगे तो इक्वेशन ये आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को बोलते हैं पॉइजन इक्वेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, पॉइजन इक्वेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब लाप्लास इक्वेशन कौन सी होगी, अगर आपका चार्ज इंक्लोज्ड या फिर फ्री चार्ज है, मतलब फॉर फ्री चार्ज कोई चार्ज उसमें एनक्लोज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रो जीरो हो जाएगा, कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो। ना डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो जब ये हो जाएगा तो इस इक्वेशन को बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया कि लाप्लास और पॉइजन इक्वेशंस क्या है। ये आपका हार्डली 2-3 मार्क्स में आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्योंकि एग्जाम्स में कई बार आ जाता है कि आपको वी की वैल्यू दे दी होती है, फिर आप निकालते हो, फिर ये जीरो आता है, तो आपको प्रूव करना होता है कि ये लाप्लास इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, पॉइजन इक्वेशन है या नहीं, या पॉइजन इक्वेशन नहीं होगी, कुछ भी रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच वॉज लेफ्ट। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट मैग्नेटोस्टैटिक्स। So all the best for the electrostatic. Please subscribe channel Education Link for further videos. Thank you.